अगर मोदी जी ने 2014 में आके विकास नहीं किया होता ना, तो 19 में क्यों बिठा रहा जनता ने, 19 में क्यों जनता ने बिठा रहा। और गुजरात में देखो चुनाव हुए थे, देश की ऐतिहासिक जनता ने बिठाया नेता मोदी को, कहीं पे भी वो मंगल ग्रह से एलियन आए होंगे, उनने बिठा रहा होगा। मशीनों की मेहरबानी है, मशीनों की मेहरबानी है जब मोदी जी आए थे, मतलब मशीनों से मोदी जी आने वाले नहीं थे, से बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मोदी ने और क्या किया है। जब से मोदी बना, मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, दंगा हुआ है, बाहर की कंट्री ने हम पे अटैक किया है, हम भी तो इंडिया में रहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के साथ कितना हुआ है, किसी ने हम पे अटैक किया, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हमको छू के दिखा दे, किसी में हिम्मत नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था क्या, पाकिस्तान को उनके टाइम पे, उसको तो कहते हैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। मोदी और अडानी तो भिखारी थे, रोड छाप 2023 के पहले ये अरबपति बने हैं, उससे पहले तो ये भिखारी थे। ये राहुल गांधी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उससे ये ज्ञान आता है। समर्थक सब बोल रहे हैं हम गरीब हो गए मोदी के आने से। ये भिखारी थे पहले, ये रतन टाटा हुए, गौतम अडानी हुए, ये सब भिखारी थे, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई तो ये खरबपति बन गए, अचानक से जादू हो गया। मैं तो मुंबई से हूँ वैसे, यहाँ उत्तम नगर रहता हूँ। उत्तम नगर रहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल है, क्या कहेंगे केजरीवाल? अब स्टार्टिंग का व्यू बताऊँ तो एक बार जीत के उसने कुर्सी छोड़ दी थी, तो उसके बाद से मेरे को नहीं पसंद वो। क्यों पसंद नहीं? जीतने के बाद कुर्सी कौन छोड़ता है, उसने सेकंड टाइम में इलेक्शन जीता ना वापस। काम तो अच्छा लग रहा होगा केजरीवाल का। क्या अच्छा लग रहा है, जितना फ्री दे रहा है उससे ज्यादा लूट रहा है। हाँ, किसने कह दिया लूट रहा है, बोल रहे पानी बिजली महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया है। और पॉल्यूशन हमेशा से दिल्ली में प्रॉब्लम है ना, चीजें फ्री करने से एनवायरमेंट थोड़ा ठीक हो रही है। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं वो तो मोदी ने फैला दिया पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया। मोदी पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों फैलाता, पूरे इंडिया में फैलाता। मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं ना कि मोदी की वजह से हुआ है, मोदी कुछ करते नहीं है, हर साल पॉल्यूशन आ जाता है दिल्ली में। अभी एग्जांपल इसराइल में जो अटैक हुआ था, तो वहाँ के इंडियन लोगों को किसने बचाया, वहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लोग थे, पर मोदी ने सबको वहाँ से निकाल के लाया ना इंडिया में। उसके खिलाफ मतलब मोदी का कनेक्शन इतना अच्छा है कि बाहर देश में हमारा अगर कुछ होगा तो मोदी हमको वहाँ से निकाल के लाएगा। आपने इसराइल की बात की, लेकिन वही फिलिस्तीन के समर्थक जो है हमारे देश में है, काफी लोग हैं, काफी लोग और है। वो मोदी को बोल रहे हैं कि मोदी कभी भी हम लोग का सपोर्ट नहीं करते, जो गलत होता है उसी के साथ खड़े होते हैं और इसराइल को गलत बता रहे हैं। चीज का अलग व्यू है, बंदे ने 100 अच्छा काम किया है उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक चीज गलत लग गई तो उस पर लोग टिक जाते हैं। आप युवा हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी बढ़िया है, आप लोगों के लिए मोदी क्यों बढ़िया है, ऐसा क्या किया है मोदी ने जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई? वो दंगा कराती थी, कांग्रेस दंगा करवाती थी, और क्या करवाती थी, क्या सहमत है बोलो, बंद करो। दंगा विंगा तो चलो होते रहता है, देश है चल रहा होता है। अभी का एजुकेशन सिस्टम देखिए, गाँव से गाँव में प्रोजेक्टर लगा है, सबके पास डिवाइस पहुँचा है। किसके वजह से पहुँचा है? मोदी की वजह से पहुंचा। इससे पहले कुछ नहीं था, लोगों को पता नहीं कि बाहर देश में क्या चल रहा है, अपने गांव में ही खुश है। अब है वो मोदी की वजह से हमारे बाहर के कंट्रीज में कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो देश भ्रमण पे निकला है, बोलेंगे विपक्ष वाले बोलेंगे, पर हिम्मत है तो जीत के दिखाए, बना ना कंटिन्यूस दूसरी बार प्रेसिडेंट वो, अगली बार भी अगर उसको मौका मिले तो मेरे को तो पता है कि उसी को वोट मिलेगा। जो किया है इतनी सारी पार्टी आगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी का पत्ता साफ और कह रहे हैं आपकी जीतेंगे ही नहीं। मैंने बोला मोदी जीतेगा, मैंने राहुल क्यों नहीं जीतेंगे, नीतीश क्यों नहीं जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, मैं बता देता हूं क्यों नहीं जीतेंगे। अब ये मेरा है, ठीक है, मतलब मेरे मानने से कि मोदी जीतेगा, अब राहुल क्यों नहीं जीतेगा मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ करना होता तो करता, लोग देते वोट, राहुल की भी सरकार पहले से है ना। युवा तो राहुल का साथ देंगे, राहुल गांधी बढ़िया है युवाओं के। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे देखूं तो मैं नहीं मानता, एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, पढ़े लिखे हैं वो नहीं। राहुल आप राहुल गांधी का इंस्टा, मोदी भी ने भी इतना कुछ किया है तो वो भी तो पढ़ा लिखा है। अब आप राहुल का इंस्टाग्राम देखिए, लोगों को गलत लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपना बॉडी वीडी का उसका रील देखो, खाली बॉडी का रील चल रहा है अभी वो, तो इंस्टाग्राम पे रील बनाने आया है या फिर लोगों को देश बताने आया है? भारत जोड़ रहे हैं। 20 हुआ तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन था? भारत में गाला जैसा बड़ा इवेंट हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? वर्ल्ड कप भारत में हुआ, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है?
वर्ल्ड कप में बोल रहे हैं मोदी पनौती है, मैच देखने आए इंडिया हार गई, आपने भी सुना होगा। आप मेरे को बताइए, खेला इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो मोदी कैसे पनौती हो गया? राहुल गांधी का बुद्धि बेकार है ना। जब 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 खेल दो टीम रहे हैं वहाँ के, मतलब उसका सोच देखे कितना पुराना है कि किसी के होने से मैच हार गए। मतलब जो बंदा इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, जिसने 50 ODI बनाया विराट कोहली ने, वो मतलब पागल है। खेला तो प्लेयर दे ना, मोदी थोड़ा ना मैदान में उतरा था। वहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो घपलाबाजी है। 1.5 लाख जनता बैठी थी, वो भी पनौती है। तो सिर्फ मोदी को बोल रहे हैं, वहाँ पे और भी लोग आए भले ही, बट वो राहुल, शाहरुख खान भी गया था वहाँ पे, कई बॉलीवुड की हस्तियां गई थी वो भी। राहुल गांधी ने पैसे दे के बैठाए होंगे लोगों को कि अगर इंडिया हारी तो बोलना है कि मोदी पनौती है। स्टेज पे वर्ल्ड कप देने कौन आया था? राहुल गांधी आया था, मोदी आया था? बैटिंग मोदी थोड़ी ना कर रहा था, वही तो बात है ना। ना मोदी की पिच, मोदी का बस स्टेडियम, तो पनौती मोदी हो गया। इतने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब उसका भी नाम बदल देना, क्या इससे पहले कोई मैच नहीं हुआ क्या वहाँ पे? मोदी का स्टेडियम बना भारत में, दो वर्ल्ड के अजूबे है। किसके वजह से? ताजमहल पहले से था, अभी जो गुजरात में बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किसने बनवाया? बनवाया मोदी ने, अजूबे। भारत का टूरिज्म इतना अच्छा गया है, भारत में दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, यहाँ भीड़ देख लो चांदनी चौक में। उनको मेरा एक ही सवाल है, जो मोदी को पनौती कहने वाले लोग हैं वो अपने बाप दादाओं से पूछे कि उनके बाप दादाओं ने राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए एक कार्य किया हो तो उनको मान लेंगे। मोदी ने क्या क्या किया देख सकते हो आप राष्ट्रहित में। धारा 370 हटा दी, मैं आपको एक बात, और कितने कितने राष्ट्रहित में अनगिनत, आज गुजरात का विकास कितने मोदी की बदौलत है। अडानी अंबानी का विकास कर रहे हैं। हाँ क्यों, अब जब राहुल गांधी अगर कुछ बोल देते हैं कि खेतों में टाल से लगवा देंगे हम, तो ऐसे आदमी को हम वोट करें देंगे क्या? अडानी अंबानी लीटर से आटा बेच देते हैं, ऐसे आदमी को वोट दे रहे हैं। अदानी अंबानी का विकास करवा रहे हैं, जब अदानी अंबानी दुनिया को डोनेशन दे रहा है तो विकास करने में समर्थक तो होंगे ना। अब मैं बताता हूँ कि वो विकास करवा रहे हैं तो कोई और आके अदानी अंबानी को हरा दे, पीछे कर दे, कोई और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। जब कोई बन ही नहीं पा रहा है तो इसमें अदानी अंबानी क्या करेगा? वो तो देखो, क्योंकि मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, देखिए विपक्ष में और पीछे है। एक सेकंड, मोदी और अडानी तो भिखारी थे रोड छाप, 2023 के पहले ये अरबपति बने हैं, उससे पहले तो ये भिखारी थे। ये राहुल गांधी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे ये ज्ञान आता है। समर्थक सब बोल रहे हम गरीब हो गए मोदी के आने, ये भिखारी थे पहले, ये रतन टाटा हुए, गौतम अडानी हुए, ये सब भिखारी थे, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई तो ये खरबपति बन गए, अचानक से जादू हो गया। जो राहुल गांधी के समर्थक है वो भिखारी बन गए, तो मेहनत करके पैसा कमाया। जब दिख रहा है कि राहुल गांधी को सपोर्ट करने के बाद पैसा नहीं आ रहा है तो एक बार मोदी को सपोर्ट करके देख ले। विश्वास से बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मोदी ने और क्या किया है। जब से मोदी बना, मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, दंगा हुआ है, बाहर की कंट्री ने हम पे अटैक किया है। हम भी तो इंडिया में रहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के साथ कितना हुआ है, किसी ने हम पे अटैक किया? किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हमको छू के दिखा दे, किसी में हिम्मत नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था क्या पाकिस्तान को? उनके टाइम पे उसको तो कहते हैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, सुना होगा आपने, वो बंदा चुप बैठे रहता था, वो था कठपुतले, लोग जो करते थे वो करता था। आप बताइए नेटफ्लिक्स पे मूवी है साइलेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का क्यों है? अगर वो कुछ नहीं किया होता तो नाम कुछ और होता। अच्छा तो यहाँ पर जो है मोदी के टक्कर में आपको कोई नजर नहीं आ रहा है? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक कोई खड़ा ही नहीं है, अभी है नहीं कोई। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, जितने भी है सभी हो गए, कोई नहीं है। मैं गठबंधन किस लिए हुआ है इनका? महागठबंधन किस लिए हुआ? गठबंधन का भी एक स्ट्रेटेजी है कि अब जैसे अरविंद केजरीवाल का पंजाब में भी सरकार है तो गठबंधन से उनका कनेक्शन बढ़ता है, नेटवर्क बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बेकार है, सब अपने अपने जगह ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक बंदे के हाथ में आ जाए। 9 सालों में देश का विकास हुआ है जो पहले कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप, उनको नजर ही नहीं आ रहा है कि देश में कुछ हो भी रहा है काम मोदी की। अगर एक ही सवाल रखना चाहता हूँ मैं तो आपके समक्ष, अगर मोदी जी ने 2014 में आके विकास नहीं किया होता ना तो 19 में क्यों बिठा रहा जनता ने? 19 में क्यों जनता ने बिठा रहा? और गुजरात में देखो चुनाव हुए थे, देश की मोदी जी को इतिहास जनता ने बिठाया, नेता मोदी को बिठाया था।
हाँ, कहीं पे भी वो मंगल ग्रह से एलियन आए होंगे, उनने बिठा रहा होगा। मशीनों की मेहरबानी है, मशीनों की मेहरबानी है जो मोदी जी आए थे, मतलब मशीनों से चीज़। मोदी जी आने वाले नहीं थे, हाँ ये 19 में जो आए हैं ना, ये मशीनों की मेहरबानी है। हाँ अन्य आने वाले नहीं थे भाई, एक सेकंड। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम में सवाल उठा रहे हैं ना, फिर हिमाचल में कैसे आ जाती कांग्रेस, कर्नाटक में कहां से आ जाती है, दिल्ली में कांग्रेस कैसे आ जाती, अखिलेश यादव की कांग्रेस। भैया ईवीएम बता रहे हैं, भैया ईवीएम बता रहे हैं, ईवीएम का फुल फॉर्म बता दे। मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ, सीधी बात, मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ। बता दे भैया, मैं बताऊँ ईवीएम गड़बड़ है। मैं यूट्यूब चैनल से देख देख के आ जाते, राहुल गांधी ने आज बोल दिया कि हम खेतों में टाल से लगवाएंगे, तो ये भी बोलेंगे हम तो राहुल गांधी जी के साथ हैं, खेतों में टाल से लगनी चाहिए भाई। पर उससे फायदा क्या होना है, क्या नुकसान है, इससे कोई मतलब नहीं है। यूपी बिजनौर का रहने वाला हूँ, बिल्कुल भाई, ठीक है। एक बीजेपी का ही आदमी, जो बीजेपी का था खास नेता, जिस टाइम वो वोट डालने गया था ना, जब इसने कांग्रेस पर बटन दबाया तो इसमें फूल कमल का आया था बोर्ड में। जब विष्णु बंदन ने किया, विष्णु बंदन ने क्या किया, विजय सिद्धा मरवा दिया। आपको पता है मेरे हाथ में ना एक नासा का रिमोट था, दिवाली पे मैं रॉकेट नहीं छोड़ रहा था, मेरे से ना गलती से नासा का रिमोट चढ़ गया, पर यहाँ से चंद्रयान उड़ गया, मानते हो बात को। तुमने तो जाके लगवाया था यार, क्या बात कर रहे हो तुम। ये वही लोग हैं, देखो सुनो, वहाँ बिहार में नीतीश कुमार सरकार पे बैठ जाता है, पश्चिम बंगाल में दीदी उनके बैठ जाती है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं कि ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाते। फिर क्या इनके मुंह पे पट्टी और पिंचेस लगाई दिए क्या बीजेपी वालों ने, वहाँ सवाल नहीं उठाते। किसी की भी हो, मैं तो कोई वो नहीं करता, ठीक है, ना मैं कभी वोट देता हूँ किसी भी सरकार। ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत लग रहा है, ईवीएम गलत, मशीन गलत है, बाकी कुछ नहीं है। तो कैसे वोट हो भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, वोट देते हैं आप? मैं तो देता ही नहीं हूँ, सीधी बात है, मैं तो देता ही नहीं हूँ। आप ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं, अंकल जी क्या कहेंगे? नहीं बोलेंगे। जैसे ईवीएम अभी आ गई है, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी देश में कि नहीं थी, कि ईवीएम आने के बाद पूरे राज्यों में सरकार आई है। ये तो कहाँ जाते हैं उस टाइम पे जब विपक्षी सरकार की सत्ता में आती है, तब इनके मुंह में पट्टियां जम जाती हैं, फिर नहीं बोलते हैं कि वहाँ सरकार कैसे बन गई, कर्नाटक में कैसे बन जाती सरकार है, हिमाचल में कैसे बन जाती, दिल्ली में कैसे बन जाती, और वहाँ यूपी में डिंपल यादव कैसे बन जाती सांसद। भाई ये तो समझाने वाली बात है। आरोप जो है लगा रहे ईवीएम पर, क्या कहेंगे ईवीएम पर, आप भी आरोप लगाएंगे या सही है? देखिए ईवीएम को तो मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लड़का है, आप मीडिया वाले आपको पता है, चुनाव मैं करता हूँ कानून के, संविधान जो हमारा कहता है, चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया था, और उन्होंने कहा कि गिनती जो है बिलेट पेपर जो अब जो है पूरे की गिनती होनी चाहिए। पहले क्या होता था, तीन बूथों की गिनती करते थे, तीन मशीनों की बिलेट पेपर की गिनती होती थी, अब चुनाव आयोग ने कहा कि सबकी गिनती होनी चाहिए, तब पता लगेगा कौन हारा कौन जीता, और हकीकत में गिनती पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर से ये लोग हारते हैं, मशीन से जीतते हैं, इसका कारण क्या है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव को कहा ना। तो अब इसमें क्या लग रहा है, इस बार मोदी हट जाएंगे? बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव, इंडिया गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन में से कौन लग रहा है आपको? अरे भाई ये क्या टेंशन लेते हो आप, बताइए कौन लग रहा है कि प्रधानमंत्री का दावेदार? एक बताओ, वहाँ 24 मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ कुछ एरिया ही नहीं होगा? 77 में चुनाव हुआ था, जनता पार्टी बनी थी जेल के अंदर, और चुनाव के बाद में चेहरा आया था मुरार देसाई का, ये टेंशन ना लो कौन होगा, चेहरे बहुत हैं, मतलब चेहरा नहीं है बस प्रधानमंत्री बने, चेहरे इनके पास तो मुख्यमंत्री के चेहरे ही नहीं है, मध्य प्रदेश इनके पास मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं है, राजस्थान में इनके पास चेहरे, मध्य प्रदेश हाँ पक्का हार रहे हैं, पक्का। देखो सब कुछ पाल लो, कुत्ता पाल लो, चूहा पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर वहम मत पालो। शीशा और मणि में बहुत अंतर होता है, तो ये यही वहम पाल रखे थे 19 में भी यही वहम पाला था, और वहाँ भी अविश्वास पे तो आप लाए थे, लेकिन क्या हुआ भाई, समझे? जो जनता
धरातल से आशीर्वाद दे रही है ना मोदी जी को, उसमें मशीन में गड़बड़ नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, ये रुकने वाली सरकार नहीं है। इस बार मशीन में गड़बड़ होगी या नहीं होगी? ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ये भारत का बनाया हुआ इंजन है। वो चला गया जमाना जो विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे, अब भारत में निर्मित इंजन आ चुका है, ये तो रुक ही नहीं सकता, ये रुक ही नहीं सकता है। और फेल होने क्या कह रहे भैया, इस बार ईवीएम चलेगी, हैक होगी, क्या होगी? मोदी आएगा? अरे मोदी जब है तो मोदी तो आएगा। मोदी के अलावा भी तो हैं कई चेहरे, नहीं कोई चेहरा ही नहीं, होते चेहरा जाते ही नहीं है। अभी जो है इतने सारे एक साथ बढ़िया काम कर रहा है, देश का नाम आगे रोशन कर रहा है, इसलिए वो ही आएगा। वो जो हो सकता है दूध वाला भी आ जाए, योगी भी आ जाए, दूध वाला भी आएगा, दूध वाला आएगा, दूध वाला आते ही सब कुछ सही हो जाएगा।